लेकिन मेरे ऊपर जो जवाबदारी है, अगर कोई एग्जिस्टिंग एंटरप्रेनर है तो ये सिस्टम का लाभ ले सकता है, बट वर्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम प्रपोज इन सकते हैं दे वांट टू एंटर इन दी बिजनेस और इंडस्ट्री, तो उनके लिए भी ये 100 डेज के कैंपेन में कुछ डिलीवरेबल कंपोनेंट दे गए हुए हैं, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। एमएसएमई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है और अभी ने ये कुछ मार्गदर्शन में आपको बताया गया कि एमएसएमई मीन माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, माइक्रो बहुत ही छोटा, स्मॉल एंड मीडियम, अगर उसको ब्रेकअप किया जाए, इसको तोड़ा जाए तो आपको पता चलेगा कि माइक्रो स्मॉल मीडियम के पूरे कैटेगरी में 80% जो कंट्रीब्यूशन है वो माइक्रो का होता है। बहुत ही छोटे 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 इंडस्ट्री जो घर में काम कर रही है, गलियों में काम कर रही है, इनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होता है और इन लोगों की रिक्वायरमेंट भी थोड़ी अलग होती है और उनको फाइनेंस की भी जरूरत होती है। तो इन लोगों को छोटे छोटे लोगों को कैसे फाइनेंस हो सकती है, इनकी गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स है और कितने क्वांटम तक के और किस तरीके से उनको फाइनेंस किया जाता है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। एक ब्रॉड इक्वेशन है, ब्रॉड इक्वेशन मैं आपको बताऊंगा कि सपोज यू इन्वेस्ट 1 rupees इन एग्जिस्टिंग सिनेरियो, सपोज यू इन्वेस्ट 1 rupees, गवर्नमेंट गिव्स यू 2 rupees, सब स्कीम्स आर एग्जिस्टिंग। सपोज यू इन्वेस्ट 1 rupees एंड यू इन्वेस्ट इन एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग, गवर्नमेंट कैन यू 1.5 rupees। इफ यू इन्वेस्ट 1 rupees एंड इफ यू आर वुमन एंटरप्रेनर, गवर्नमेंट कैन यू 2 more than 2 rupees। इफ यू आर वुमन एंटरप्रेनर एंड SC/ST कैटेगरी, गवर्नमेंट कैन यू 3 rupees। मीन्स सच एग्जिस्टिंग मॉडल्स आर अवेलेबल फॉर दी अपकमिंग एंड एग्जिस्टिंग इंटरप्रेनर, ये दिया जा रहा है, दिस इज नॉट फिक्स, दिस इज द फैक्ट, बट यू शुड बी अवेयर ऑफ दी स्कीम दोज आर अवेलेबल बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसकी जानकारी बहुत होना जरूरी है, इसलिए गवर्नमेंट ने आपके लिए बनाया। उसमें से अभी एक न्यू इंटरप्रेनर के लिए जो स्कीम्स है वो है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये नए लोगों के लिए बनाई हुई स्कीम है और ये स्कीम का नाम ही है प्राइम मिनिस्टर और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को सपोर्ट करने वाली ये स्कीम, उसके बारे में आपको नए एंटरप्रेनर्स के लिए पहली बार बिजनेस एंटरप्राइजेस में आना चाहते हैं उनके लिए ये स्कीम बनाई गई है। ये स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव वही है कि रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में माइक्रो इंडस्ट्रीज आनी चाहिए, रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में कोई आर्टिस्ट होंगे उनका ऑपरेशन होना चाहिए, उनके इकोनॉमी में कुछ एडिशन होनी चाहिए, ये गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये स्कीम में किया गया है। इट इज ए वेरी सिंपल स्कीम, उसमें कोई बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस उसमें नहीं है, खाली उसका 18 ईयर्स का होना जरूरी है, एजुकेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं है, खाली एक स्टैंडर्ड पास भी रहा तो भी ये स्कीम में वो पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा या कोई रजिस्ट्रेशन सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर करता है तो ऐसी कंपनीज भी इसमें इंक्लूड हो सकती है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, कॉपरेटिव सोसाइटीज है, ये सभी एजेंसीज ये स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकती है। इसमें कोई इनकम का क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी किसका कितना भी इनकम रहे सारे इनकम ग्रुप्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन दिस स्कीम इज ओनली फॉर द न्यू एंटरप्राइज, पहली बार जो
आई है इनके लिए है। अगर कोई एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस है जिन्होंने कोई गवर्नमेंट स्कीम में बेनिफिट लिया हुआ है या इंसेंटिव सब्सिडी ली हुई है, तो ऐसे ऐसे एंटरप्रेनर इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर। मिनिमम डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो डॉक्यूमेंट जो है वो खाली आपको एज प्रूफ क्या एज प्रूफ के बारे में आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। सपोज यू बिलोंग टू एस सी एस टी माइनॉरिटी कैटेगरी, उसमें आपको उसका एक खास सर्टिफिकेट का एक आपको देना पड़ेगा। एजुकेशन के बारे में भी आपको आपका जो आपके पास जो अवेलेबल सर्टिफिकेट वो देने पड़ेगा। कोई ट्रेनिंग या कोई स्किल आपने लिया होगा तो उसका सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट आपके पास में होना पड़ेगा। ये जो स्कीम है स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाई दी थ्री एजेंसी, सभी जिलों में ये तीन एजेंसी काम करती है और नाम से एजेंसी है डिसिप्लिन सेंटर हम काम कर रहे हैं स्कीम में। इसके सिवा खादियान विलेज कमीशन के भी काम करती है और खादियान विलेज बोर्ड ये भी स्कीम ये भी एजेंसी ये स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन करती है। और कुछ फैसिलिटेटर भी है जो ये स्कीम में इनकॉर्पोरेट है। ये जो स्कीम है और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में इम्प्लीमेंट होती है, रीजनल रूरल बैंक है ये भी इसमें काम करती है, फिर भी काम करती है। और कुछ कॉपरेटिव बैंक्स है दैट इज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, अगर वो ऐसी कॉपरेटिव बैंक अगर अप्रूव की हुई रहती है तो ये भी इसमें ये स्कीम में पार्टिसिपेट करती है। कुछ प्राइवेट बैंक जो है अगर गवर्नमेंट ने अप्रूव दिया है तो ये भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। ये स्कीम का जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है ये प्रोजेक्ट कॉस्ट 25 लाख का है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस दी हुई है कि अगर एक स्कीम में एप्लीकेशंस आती है तो ये एप्लीकेशंस में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रेट होना बहुत जरूरी है। और ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक आदमी 1 लाख के लिए ऐसा एक इक्वेशन बनाया हुआ है। आपकी कैपिटल कॉस्ट जितनी भी रहेंगी उतने एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन ये स्कीम के अंदर में होना चाहिए। और इसकी कुछ निगेटिव लिस्ट है, वो निगेटिव लिस्ट में आपका बिजनेस एंटरप्राइज नहीं आना चाहिए। ये कौन सी निगेटिव लिस्ट है वो भी आपको दिखाई जाएगी। और मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है 25 लाख इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और 10 लाख इन केस ऑफ सर्विस एंटरप्राइजेस, ये उसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट की लिमिट। ये स्कीम जो है KVIP और DIC तीनों एजेंसी इंप्लीमेंट कर रही है। KVIP और KVIP ये जो दो एजेंसी है ये एजेंसी रूरल एरिया में काम करती है और DIC जो है वो दोनों एरिया में काम करती है, रूरल एरियाज में काम करती है एज वेल एज अर्बन एरिया में। अगर अर्बन एरिया में कोई एंटरप्राइज आना चाहता है तो वो ओनली DIC को ही अप्लाई कर सकता है। इसमें बेनिफिट इस स्कीम के अंदर में दिए गए हैं, वो बेनिफिट है आपको 15% से 35% तक की सब्सिडी की प्रोविजन इसमें पड़ेगी। और ये सब्सिडी की प्रोविजन जो है डिपेंडिंग अपॉन दी कैटेगरी एंड लोकेशन, आपका यूनिट कहाँ आ रहा है और कौन डाल रहा है उसके हिसाब से वो कैटेगरी करा हुआ है। आपने अगर चार्ज देखा होगा, अगर आप जनरल कैटेगरी में रहते हो तो आपका बोन कंट्रीब्यूशन 10% होना चाहिए और उसमें सब्सिडी का जो प्रोविजन है अर्बन एरियाज में आता है तो 15% का है और रूरल एरियाज में आता है तो 25% का है, इसे सब्सिडी काम होना। अगर यू बिलोंग टू SC ST OBC माइनॉरिटी वुमन एक्सर्विसमैन फिजिकल हैंडीकैप ये कैटेगरी में आते हैं तो आपका जो बेनिफिशियरी कॉन्ट्रीब्यूशन जो है खाली 5% का है और वो एक्टिविटी अर्बन एरियाज में आती है तो आपको सब्सिडी का कंपोनेंट 25% का है। और ये कैटेगरी में आप रूरल एरियाज में अगर कोई एंटरप्राइज आना चाहते हैं तो आपको सब्सिडी का कंपोनेंट 35% का है। प्रोजेक्ट कॉस्ट 25 लाख की है, अगर मैक्सिमम सीलिंग अपन लेते हैं तो 35% में सब्सिडी का कंपोनेंट अराउंड 1.75 लाख का आता है। कोई माइक्रो एंटरप्राइजेस में 9 लाख तक के अमाउंट अगर आपको सब्सिडी के रूप में मिलती है तो दिस इज बिग अमाउंट फॉर दी फॉर रनिंग एंड सर्वाइवल ऑफ ये। कुछ बैंक फाइनेंस की प्रोसीजर्स है, इसके बारे में आपको मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा।
क्योंकि अगर 25 लाख का प्रोजेक्ट होता है तो इसमें आपका कॉन्ट्रीब्यूशन 5% या 10% होता है, रिमेनिंग जो कंपोनेंट होता है दैट इज गिवन बाय द बैंक। आपको 5% 10% भर के 95% या 90% हम बैंक से आपको प्रोजेक्ट करके फाइनेंस किया जाता है। लेकिन ये जो स्कीम है, दिस स्कीम आल्सो ऑनलाइन स्कीम, इसका भी एप्लीकेशन आप अपने घर में बैठ के कर सकते हैं। आपको कोई ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। यू डू नॉट हैव टू इंटरेक्ट विद द ऑफिसर ऑफ आईआईटी, सीबीएसई, केवीआईबी। आप अपने घर में एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसकी एक वेबसाइट है, वो वेबसाइट की जानकारी आपको लेनी पड़ेगी, www.pmsp.org और www.pmsp.in करके वेबसाइट है। वेबसाइट में जाके आपको एप्लीकेशन अपलोड करना पड़ेगा, उसमें मिनिमम डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। देन योर एप्लीकेशन विल बी प्रोसेस एंड फॉरवर्डेड टू द बैंक फॉर सैंक्शनिंग। जो मिनिमम डॉक्यूमेंट होता है उतने ही आता है, वो सिस्टम से अपलोड करना। बाकी प्रोजेक्ट में क्या करना चाहते हैं वो देना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रिपोर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाके बनाने की जरूरत नहीं है। टू पेज प्रोफाइल जो है वही वही बना के आपको देना है। उसके लिए भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये वेबसाइट पे जाते हैं और एप्लीकेशन करते हैं तो आपको पूछेगा कि आपका आपका आपके पास में प्रोजेक्ट रिपोर्ट या प्रोजेक्ट प्रोफाइल है क्या। अगर आपके पास में नहीं होगा तो हाउ टू प्रिपेयर द प्रोजेक्ट प्रोफाइल, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। डेमो इज अवेलेबल देयर। आपको अपने फिगर उसमें फिलअप करने हैं, वो फिगर फिलअप करने के बाद में ऑटोमेटिकली वो आपका प्रोजेक्ट प्रोफाइल बन जाएगा। देन यू कैन वो अपलोड दैट प्रोफाइल टू दी सिस्टम। इतना अच्छा मत बनाया हुआ है। तो कुछ उसकी प्रोसीजर होती है, उसके बारे में आपको जानकारी देने की जरूरत नहीं है। कुछ कमिटीज वगैरह होती है वो अप्रूव करने के लिए, बट दिस इज नॉट इजी टास्क। और एप्लीकेशन फॉर्मेट आप नोट डाउन करिएगा, फिर आपको मिल जाएगा। और ये स्कीम के अंदर में जैसे एप्लीकेशन सैंक्शन बाय द बैंक, देन आपको 2 हफ्ते का एक ट्रेनिंग लेना पड़ता है। वो दैट इज ट्रेनिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। एंड ट्रेनिंग देने की कुछ एजेंसी डिसाइड करी हुई है, वो एजेंसी आपको ट्रेनिंग देती है। वंस यू गेट ट्रेनिंग फ्रॉम दैट एजेंसी, फिर बैंक आपको जो अमाउंट बैंक ने आपको सैंक्शन करा हुआ है वो अमाउंट का बैंक आपको डिसबर्समेंट करती है। और ये डिसबर्समेंट करने के बाद में जो आपका सब्सिडी होता है, जो आपका हक होता है, वो आपको वो बैंक को वो सब्सिडी का क्लेम करना पड़ता है। एवरी प्रोसेस इज ऑनलाइन, किसी को कहीं फिजिकल मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। बैंक को क्लेम अपलोड करने के लिए या आपको अप्लीकेशन करने के लिए या बैंक को पैसा मांगने के लिए कोई फिजिकल मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। खाली बस योर प्रपोजल इज रिकमेंडेड टू द बैंक, बैंक के पास में जाता है, देन सम फिजिकल वेरिफिकेशन वापस होते हैं। क्योंकि आप वो एंटरप्राइज कहाँ डाल रहे हैं, कौन सी जगह है, जगह की लीगैलिटी क्या है, ये सारा थोड़ा सा वेरिफिकेशन हो जाता है। उतना वेरिफिकेशन होने के बाद में बैंक को अप्रूव कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ कुछ इंडस्ट्रीज जो है स्कीम में अलाउ नहीं करी हुई है, उसकी भी आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। ये निगेटिव इंडस्ट्रीज की लिस्ट है, जैसे आप देखते होंगे कि मीट प्रोसेसिंग हो गया, कैनिंग हो गया, या बीड़ी पान सिगरेट, इस तरह की जो एक्टिविटीज होती है, ढाबा जहाँ पर होटल का ढाबा जहाँ पर नॉनवेज का उदय प्रोसेस होता है, इस टाइप के इंडस्ट्रीज में इसमें ट्रेंड है। नहीं करा हुआ है। फिर उसके बाद में कल्टिवेशन, जो फार्मिंग एक्टिविटीज है, जैसे कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, ये इस टाइप की एक्टिविटी है। फ्लोरिकल्चर सेरिकल्चर से एक्टिविटीज का इसमें नहीं करा हुआ है। कुछ जैसे जो प्लास्टिक को बैन है, तो जैसे पॉलिथीन कैरी बैग वगैरह जैसे इस टाइप की जो एक्टिविटीज होती है, ये भी इसमें बैन करी हुई है। कुछ एक्टिविटीज जो खाद्य एंड मिनरल्स कमीशन चलाती है, वो एक्टिविटीज भी इसमें कवर नहीं हो सकती है। और रूरल ट्रांसपोर्ट, जैसे कुछ ऑटो रिक्शा या तुम्हारे जो छोटे छोटे व्हीकल्स होते हैं, ये भी एक्टिविटीज कवर नहीं होगी।
तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम फॉर दी मिनी एंटरप्रेनर. अभी आपको 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 अनाउंसमेंट ये है कि दिस इज 100 डेज कैंपेन. ये कैंपेन चल रहा है. दिस कैंपेन इज ऑन मिशन मोड. अगर किसी की रिक्वायरमेंट न्यू एंटरप्राइजेस की होंगी तो यू कैन अप्लाई टू दिस स्कीम. तो 100 दिन के अंदर में प्रायोरिटी से आपका आपके एप्लीकेशन को प्रोसेस किया जा सकता है और यू कैन गेट लोन ऑन ऑन प्रायोरिटी. क्योंकि सभी बैंक ये स्कीम के साथ में जुड़ी हुई है. इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस 100 डेज मिशन. ये मिशन इंक्लूड करा हुआ है. सपोज यू आर नियरली फॉर फाइनेंस देन यू कैन अप्लाई टू दिस स्कीम एंड यू कैन गेट फ्रॉम दिस स्कीम. तो वेबसाइट आप देख लीजिएगा. ये वेबसाइट के अंदर में आपको ठीक है एप्लीकेशन कर सकते हैं और आप फाइनेंस ले सकते हैं. हाँ, समय का थोड़ा सा लिमिटेशन है और कुछ स्पीकर्स है. और ऑफिस इज हियर ओनली जस्ट सेकंड फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग. तो वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ये एमएसएमई मिशन के सपोर्ट एंड आउटरीच के कैंपेन में हमारा एड्रेस भी है. ऊपर में आपको एप्लीकेशन कैसे करना, ऑनलाइन कुछ दिक्कतें होती है तो वो भी हम सॉर्ट कर सकते हैं और आप विजिट भी कर सकते हैं. एक और एक जवाबदारी दी गई है कि कुछ एंटरप्रेनर्स को स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत आपको कुछ और बेनिफिट दिए जाते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि सपोज इन्वेस्ट 1 रुपीज गवर्नमेंट कैन गिव यू 2 रुपीज एंड डिपेंडिंग अपॉन दी अदर कैटेगरीज अप टू 3 रुपीज. इस प्रकार के कुछ मॉडल्स है. तो उसी प्रकार की कुछ स्कीम्स स्टेट गवर्नमेंट की है. उसके बारे में मैं आपको जस्ट ब्रीफ जानकारी दे दूंगा. फॉर डिटेल्स यू कैन कॉन्टेक्ट अवर डिपार्टमेंट. तो गवर्नमेंट ने 2013 में एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई और वो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए कुछ प्रोविजन करी हुई है और एक स्कीम अनाउंस किया है. वो स्कीम का नाम जो है वो है पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव 2013. तो जस्ट इन ग्लिम्सेस आई विल टेल अबाउट दी स्कीम. ये स्कीम में कौन कौन कवर होता है आपको दिया हुआ है. तो मोटा मोटा देखा जाए तो ऑल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कवर इन दिस स्कीम. इसमें ITBT सेक्टर भी आता है, कोल्ड स्टोरेज भी आते हैं और फूड एंड एग्रोप्रोसेसिंग सारी इंडस्ट्रीज इसमें कवर होती है. इसमें कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है. खाली कुछ नॉर्म्स है, कुछ एक्ट्स है, वो एक्ट के अंडर में वो इंडस्ट्रीज का इंक्लूजन होना बहुत जरूरी है. ये इंडस्ट्री ये स्कीम में जो बेनिफिट दिया जाता है वो डिपेंडिंग अपॉन दिस जोन. पूरे 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 स्टेट के कुछ जोनिंग करा हुआ है. तो जोनिंग ए बी सी डी डी और डी प्लस नक्सल अफेक्टेड एरिया नो इंडस्ट्रियल एरिया ऐसे कैटेगरीज में करा हुआ है. अगर नागपुर को देखा जाए तो नागपुर डी और डी प्लस कैटेगरी में आता है और वो जोनिंग के हिसाब से इंसेंटिव और इंसेंटिव की प्रोविजन करी हुई है. कुछ मेगा प्रोजेक्ट की है जो छोटे इंडस्ट्रीज को कुछ काम करने रहेगा. डायरेक्टली कम फॉर दी बेनिफिट वन इन दी स्कीम. ये चार्ज थोड़ा आप देख लीजिएगा. जैसे मैंने आपको कहा कि नागपुर काउंसिल डी एंड डी प्लस जोन और नो इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट में गोंदिया और गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट का ये है. गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट का इंक्लूजन करा हुआ है और कुछ नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट और तालुका भी है. तो उनको अलग अलग जोनिंग में अलग अलग बेनिफिट दिए गए हैं. अगर एमएसएमई अगर डी प्लस में आती है तो डी नागपुर डी और डी प्लस मीन्स नागपुर सिटी जो है वो नागपुर सिटी को डी प्लस मीन्स नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया है दैट इज इन डी प्लस जोन और बाकी जो रिमेनिंग तालुका का जो एरिया है वो डी प्लस में आता है. तो मोस्ट ऑफ दी नागपुर का जो जोनिंग है वो डी प्लस में ही आता है.
तो अगर अपन डी क्लास में आते हैं और एमएसएमई में है तो उसमें कुछ सीलिंग लिमिट दिए हुए है, यानी हाउ मच इंसेंटिव यू कैन बी ग्रांटेड। एक बास्केट बनाया हुआ है और वो बास्केट के हिसाब से आपको इंसेंटिव दिए जाते हैं, लेकिन उसका एक लिमिट होता है, उसका सीलिंग लिमिट होता है। अगर अपन डी प्लस एरिया में आते हैं और एमएसएमई है तो आपको 80% तक का आपके एफसीआई के ऊपर सिर्फ कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो आप करोगे, मीन्स सिर्फ कैपिटल इन्वेस्टमेंट में लैंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी का जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो इन्वेस्टमेंट के 85% का आपका एक सीलिंग बन जाता है एमएसएमई के लिए, डेवलपर के लिए। और ये जो लिमिट है दैट फाइनेंशियल लिमिट इज यूटिलाइज आफ्टर पीरियड ऑफ 10 ईयर। आपको 10 साल तक के वो लिमिट आपको यूज करना है फॉर द डिफरेंट कंपोनेंट इन द बास्केट। तो बास्केट में कौन से कंपोनेंट है उसको आपको उसकी जानकारी दी जाएगी। जो बास्केट है, बास्केट में जो कंपोनेंट दिए गए हैं जो इंसेंटिव थे उसमें एक है इंडस्ट्रियल प्रमोशन सब्सिडी यानी आईपीएस, एंड व्हाट एवर टैक्सेस यू पे टू दी गवर्नमेंट वो टैक्सेस का रिफंड प्रोविजन पीएससी में करा हुआ है, तो वो एक वन ऑफ द कंपोनेंट है बास्केट का। दूसरा फिर एमएसएमई है तो फिर इंटरेस्ट सब्सिडी आपको दी जाती है, तो इट इज अप टू 5% जो बैंकिंग का आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हिसाब से 5% का रिफंड एमएसएमई ने प्रोविजन करा हुआ है। फिर अगर अभी जैसे बताया कि नागपुर इज डिक्लेयर एज ए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, तो अगर ऐसे कुछ फूड प्रोसेसिंग या एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आती है तो 10% ज़्यादा का भी बेनिफिट ये स्कीम में दिया गया है। फिर उसके बाद में पावर टेरिफ, यानी जो आप इनमें से डिटेल को जो टेरिफ देते हैं वो टेरिफ का कुछ पोर्शन आपको वापस दिया जाता है, दैट इज ₹1 पर यूनिट कंज्यूम फॉर द फर्स्ट 3 ईयर, तो वो भी एक रिफंड एक बास्केट में दिया गया है। तो ये बास्केट का जो ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट आप अपने लिमिट तक के फॉर द ईयर ऑफ द 10 ईयर्स तक के आप उसको ले सकते हैं। अगर कुछ इंडस्ट्रीज कुछ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में या क्वालिटी सर्टिफिकेशन में या क्लीनर प्रोडक्शन में कुछ काम कर रहे हैं, एनर्जी सेविंग में काम कर रहे हैं, तो अलग अलग कुछ बेनिफिट उस टाइप के कंपोनेंट के लिए दिए गए हुए हैं। जैसे कि 5% सब्सिडी कैपिटल जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होती है तो 5% का ज़्यादा का बेनिफिट अप टू 25 लाख तक के दिया गया है। 75% सब्सिडी ऑन एक्सपेंसेस ऑन क्वालिटी सर्टिफिकेशन के लिए दिया गया है अप टू दी लिमिट ऑफ 1 लाख। तो ये सारे कंपोनेंट टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन क्वालिफिकेशन प्रोडक्शन क्रेडिट रेटिंग एसआईपी के लिए दी गई है। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने कुछ प्रोविजन करी हुई है तो उसमें दी जाती है। जो आईटीएस का जो कंपोनेंट है वो जैसे पहले वैट और सीएससी सिस्टम था वो अब सब बदल चुका है, जीएसटी में आ गया है। तो नाउ गवर्नमेंट है कि आपको जो आप एसजीएसटी आप पे करेंगे गवर्नमेंट से उसका ग्रॉस एमएसएमई को वापस दिया जाएगा। इसके सिवा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जम्प्शन और स्टैंप ड्यूटी एग्जम्प्शन बाइंडिंग अमाउंट जो है लिमिट जो सीलिंग लिमिट जो है ना आपको बता रहा है कि आप 80% ऑफ पी एफ सी है आप जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उसका 80% सीलिंग बनेगा। 100% एरिया में है तो 100% है और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मोटा मोटी आप 110% मोटा मोटी अगर आप एक करोड़ का यूनिट डालते हो डी प्लस में है तो आपको 1 करोड़ में 80 लाख का आपको हम रिफंड देंगे ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स एंड इट विल बी
ये इंसेंटिव विच इज रिलेटेड टू योर प्रोडक्शन, इफ यू डू प्रोडक्शन यू विल पे टैक्सेस टू गवर्नमेंट, सो पोर्शन ऑफ द टैक्स विल बी रिफंडेड. इफ यू आर इन प्रोडक्शन यू विल कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी, 1 rupee पर यूनिट विल बी रिफंडेड टू यू. इफ यू आर इन प्रोडक्शन यू विल पे टू बैंक, इफ यू पे टू बैंक विल बी रीइंबर्स यू 5% इंटरेस्ट सबवेंशन. So all the incentives are related to production. If you function, if you produce, if you manufacture, then you will get. सारे इंसेंटिव मिला के जो उसमें एक करोड़ का यूनिट है 80 lakh मिलेंगे ओवर ए पीरियड ऑफ 10 years. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है 8 lakh पर ईयर आपको सब्सिडी इन द फॉर्म ऑफ दिस. In the form of this, मैंने आपको जो सिलिंग लिमिट ऑफ 80 लाख करें, अब सारे सारे इंसेंटिव्स ऐड होंगे 80 lakh. सर आपने बोला 8 lakh पर हर साल का, इनिशियली तो कम रहेगा, आखिरी आखिरी में जैसे 5-10 साल होते आ रहे प्रोडक्शन बढ़ेगा बढ़ेगा, इंसेंटिव 8 lakh के ऊपर भी प्रॉफिट जाएगा, लेकिन ओवरऑल उसमें नहीं उसमें इफ यू पोर्शन ऑफ योर दैट इज अनस्पेंड ये वो कैरी फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड. अभी देखो अगर 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 वो प्राइम मिनिस्टर इमरान में जनता जन में प्रोग्राम में अगर आप 25 lakh का प्रपोजल बनता है आपका, तो 25 lakh में डायरेक्ट सब्सिडी जो 35% है कोई रूरल एरिया में आता है, तो 35% की डायरेक्ट सब्सिडी प्लस 80% ईएससी में दिया गया है. उम्र होगा तो 10% और है. इसके सिवा भी और कुछ डिपार्टमेंट से स्कीम है, आपको बोला मैंने अगर आप 1 rupee डालते हैं तो आपको गवर्नमेंट कैन रिड्यूस आपको 3 rupees. इसमें इतना इतने अच्छे प्रोविजन इंडस्ट्रीज के लिए और एमएसएमई के लिए करी हुई है, उसकी जानकारी को समझ लीजिए. बस खाली इस स्कीम का एक ही एक ही है कि दिस स्कीम इज वैलिड फॉर सम ईयर, यानी 5 साल का उनका एक पीरियड होता है. तो एटलीस्ट 13 से स्कीम शुरू हुई थी, मार्च 18 तक की स्कीम का एक्सपायरी था, 18 को बंद होने वाली बंद हो गई थी, फिर गवर्नमेंट उसको और एक्सटेंशन दिया. नाउ सेम सिचुएशन करेंगे सभी शुरू है और इंडस्ट्रियल पॉलिसी 13 बोलते थे, अभी इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो सकता है 18-19 जब भी आएगा तब तक आप ये बेनिफिट ले सकते हैं. बस इसके 2-4 चीजें ही इम्पोर्टेंट है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए. इसमें इलिजिबल उतनी वही यूनिट्स है जो कुछ इफेक्टिव स्टेप्स उनके पास में जो है वो उनका कुछ कंडीशन है, जैसे कि यूनिट नया होना चाहिए, उसकी इन्वेस्टमेंट 1 April 2013 के बाद में होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट उसका 1 April 2013 के बाद का होना चाहिए, अभी तक कोई भी चल रहा है. और सम इफेक्टिव स्टेट उनके पास में होनी चाहिए, जैसे कि उसका लैंड पोजीशन जो है लैंड पोजीशन जो है वो 1 April 2013 के बाद का होना जरूरी है, या उसकी कॉन्स्टिट्यूशन जो है अगर कोई पार्टनरशिप होंगी या कंपनी होंगी उसका कॉन्स्टिट्यूशन 1 April 2013 के बाद का होना बहुत जरूरी है. पहले की लैंड भी नहीं चलेगी, पहले की लैंड चलेगी, उसमें ये जो है दोनों आपके इफेक्ट उसके उसमें से 2-4 स्टेप में से एक आधी स्टेप के आपके पास में रही तो आप एलिजिबल हो सकते हैं. इसके पहले हम कुछ पोजिशनल रजिस्ट्रेशन से ये हम पार्ट 1 देते थे वो आपके पास में होगा और 13 के पास का होगा तो वो आप एलिजिबल हो सकते हैं. और इसके सिवा की अभी नई पोजिशन करी हुई है, अगर कंटेंट एस्टैब्लिश जो पोजिशन बोर्ड देगा इंडस्ट्री को वो अगर 1 April 2013 के पास का होगा तो भी आप तो ये कुछ कितने अगर बैठ जाते हैं और सपोज योर इन्वेस्टमेंट इज विद इन स्कीम के लिए तो आप ये स्कीम का सर एक प्रश्न होता एमएसएमई ला रजिस्ट्रेशन केव्हा करायचं नवीन माणसाने पहिले जमीन घ्यायची प्रोजेक्ट स्टार्ट करायचं मग एमएसएमई कडे यायचं की पहिले एमएसएमई कडे रजिस्ट्रेशन करायचं आणि मग ते या प्रोसेस मध्ये आणि किंवा बँकेकडे अप्रोच व्हायचं. आता रजिस्ट्रेशनची प्रक्रिया पूर्ण सुलभ केलेली आहे. आता उद्योग पहिले का अंडा पहिले की कोंबडी आता ती जे पहिले उद्योग सुरू करायच्या आधी रजिस्ट्रेशन घ्यायचं का उद्योग सुरू केल्यानंतर रजिस्ट्रेशन घ्यायचं का ही सगळी प्रक्रिया गव्हर्नमेंटने 2015 पासून पूर्ण सुलभ केलेली आहे. उद्योग सुरू करायच्या आधी तुम्हाला कुठलंही रजिस्ट्रेशन इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटचं घ्यायची गरज नाही आहे.
आपला एंटरप्राइज सुरू झाल्यानंतर, आपला इंडस्ट्री स्टार्ट झाल्यानंतर आपल्याला उद्योग आधार मेमोरँडम हे फाईल करणं जरुरी झाले आहे आणि हे उद्योग आधार मेमोरँडम सुद्धा ऑनलाईन आहे. त्याच्यामुळे उद्योग सुरू करायच्या आधी रजिस्ट्रेशन घ्यायचं का ही प्रक्रिया पूर्णपणे अबाधित झालेली आहे. आपला आपली इंडस्ट्री सुरू झाली, स्टार्ट झाली, आपण कॉमर्शियल मध्ये केलं तेव्हा आपल्याला ऑनलाईन उद्योग आधार मेमोरँडम फाईल करणं. सुरू करायला बँकेचं लोन घ्यायचं आहे तर बँक म्हणते एमएसएमई कडे रजिस्टर्ड असाल तर आम्ही तुम्हाला बेनिफिट देऊ. बँकेचं मिसकन्सेप्शन आहे, नवीन डेव्हलपमेंट त्यांना माहिती नाही. तुम्ही अकाउंट झाल्याचं आम्ही, अरे अहो बोला, तुम्ही अकाउंट झाल्याचं आम्ही त्यांना रायटिंग मध्ये देऊ. कारण की ऍक्टिव्हिटी एमएसएमई आहे की नाही हे तुमच्या रिपोर्ट वरून कळतं. आणि सिन्स देर इज नो प्रोव्हिजन ऑफ प्रोव्हिजनल रजिस्ट्रेशन, तुमचं युनिट जेव्हा प्रोडक्शनला जाईल तेव्हाच तुम्हाला एमएसएमईचं रजिस्ट्रेशन उद्योग आधार ऑनलाईन फाईल करायचं. नो प्रायर रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड. बँकर्स फ्रेंड मे प्लीज लुक इन टू दिस. जगामध्ये म्हणजे खूप साऱ्या स्कीम्स आहे आणि सगळ्या फायद्याचं ट्राय टू टेक बेनिफिट ऑफ ऑल दिस. थँक्यू. छान माहिती तुम्ही दिली. ज्या लोकांकडे उद्योग आधार आहे त्या लोकांचं फक्त उद्योग आधाराच्या आधारे करंट अकाउंट ओपन होते आणि ते आम्ही केलेलं आहे. आणि हे उद्योग आधार आहे, बँकिंग जेवढा 2 मिनिटात बनते त्याच्या आधी 1 मिनिटात हे उद्योग आधार निघते. जर तुमचा मोबाईल नंबर तुमच्या आधारशी लिंक असेल तर एक गोष्ट तुम्ही लक्षात घ्या, इंडस्ट्री सुरू झाल्यानंतर तुम्हाला डेट ऑफ कमेन्समेंट तिथे मेन्शन करायला लागते. आणि व्हॉट वी हॅव ऑब्झर्व 95% उद्योग आधार आर टेकन प्रायर गोइंग इन टू प्रोडक्शन विच इज इन व्हॅलिड. 59 मिनिट. माझं सर 1 डिसेंबरला लोन अप्रूव्ह झालेला आहे. बँक मैंने प्रपोजल भी सबमिट किया, बैंक से अभी तक इधर रेफर नहीं हुआ. हाँ, तो उसके लिए मेरी आईजीएम जो अग्रवाल साहब है उनसे बात हुई. अभी वो अपने को 3 बजे मिलने वाले हैं एमआईए के कार्यक्रम में, वहाँ पूछते हैं क्योंकि अभी वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है तो कोई जवाब नहीं दे. नहीं सर, तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है ना, उनका पीएसबी 59 से रिलेशन नहीं है, वो बैंक का इशू है, वो हम लोग सॉल्व करेंगे. ठीक है, देखूंगा जी. थैंक यू वेरी मच. मंजूर किया कि हाँ सर, इनको इन प्रिंसिपल लेटर 51 लाख का मिला मिल चुका है और वो केस मैंने दे दिया उनको. डॉक्यूमेंटेशन सब हो गया ऑलरेडी, वो बैंक के कस्टमर भी होंगे. लेकिन अभी कैसा है कि अभी क्लोजिंग चल रहा है बैंक. देखो जय कुमार जी, बैंक की भी कभी कभी थोड़ी दिक्कत रहती है, उनका क्लोजिंग रहता है, उनके पास स्टाफ नहीं रहता. मेन बोला था आपने को स्टाफ नहीं है उनके तरफ, बाकी प्रॉब्लम तो बातचीत साहब ने बहुत अच्छा अपने को यहाँ एक इन्फॉर्मेशन दिया है जो लोगों को स्टार्टअप करना है. सर पीएसआई 2013 आपने जो बताया सर, हाँ उसमें मैं थोड़ा सा एडिशन करना चाहूंगा कि 2016 में हम लोगों ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 125वीं जयंती मनाई. उस उपलक्ष्य में एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाया सर, डॉक्टर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विशेष प्रोत्साहन योजना. मतलब ये जो बेनिफिट सर ने बताया है उसके एडिशनल कुछ बेनिफिट वो पॉलिसी में है. तो जो लोग SC ST के एंटरप्रेनर यहाँ बैठे हैं उन्होंने वो पॉलिसी पहले पढ़ना चाहिए. और जो मेरी यहाँ पर महिलाएं बैठी है उन्होंने महाराष्ट्र शासन का जो महिला धोरण है वो भी पढ़ना चाहिए, वो बहुत अच्छा है. मतलब गढ़चिरौली चंद्रपुर गोंदिया एंड भंडारा ये डिस्ट्रिक्ट के लिए तो 1 करोड़ का कैपिटल सब्सिडी है. और डिस्ट्रिक्ट जो है महाराष्ट्र के वहां पर 50 लाख तक की कैपिटल सब्सिडी है. तो ये दोनों पॉलिसी आप लोगों ने पढ़ना चाहिए. चलो इसको आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में अभी विदर्भ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के फूड वर्टिकल हेड श्री अरुण खोबरागढ़े जी यहाँ उपस्थित हुए. मैं गोपाल वासनिक जी को अनुरोध करूंगा कि उनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें. VI जैसा जब भी पांडे साहब ने शुरुआत में बताया कि विदर्भ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन एक फूड शो इंडिया इस नाम से एक बहुत बड़ा एक्सपो करने जा रही है बिहार में. वो 2019 में 16 से 18 जनवरी तक है
तो उसी की डिटेल जानकारी देने के लिए मैं अरुण जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि उन्होंने वो उसका प्रेजेंटेशन करें। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सो यू आर नॉट लीडिंग, बिजनेस करने को आप लोग आ रहे हो और बिजनेस में भूख प्यास भूल कर आपको जीत के साथ आगे आना पड़ेगा। तो ये भूख प्यास जरा भूल जाइए आप, ठीक है। टीम की तरफ ध्यान दीजिए।